सरकारी एजेंसी में कमेटियां ट्रांसपोर्ट से गेहूं का उठान नहीं करवा रही है, जिसके चलते बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में आड़ती हंगामे पर उतर आए। सरकार ने भारी मात्रा में दरअसल गेहूं तो खरीद दिया, पर अब वो खुले में ही पड़ा हुआ है। साथ ही किसानों को उनकी फसल की कीमत भी नहीं दी जा रही। समस्या का समाधान करने के लिए मौके पर एसडीएम त्रिलोकचंद पहुंचे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता किसानों से बातचीत करने अनाज मंडी पहुंचे, आइए सुनते हैं। आज सुबह सुबह बल्लभगढ़ की मंडी की बात करें तो यहाँ काफ़ी संख्या में आड़ती इकट्ठे हुए हैं। किस समस्या के कारण ये इकट्ठे हुए हैं और क्या बड़ी समस्या यहाँ पर आई है जिसको लेकर एकदम से यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ है, आइए जानते हैं उन्हीं आड़तियों से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित मंगला है जी। अमित जी, क्या समस्या हुई है मंडी में? समस्या लोडिंग की समस्या आ रही है जी हमारे यहाँ मंडी में। ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं दे रहा है जी, वो एक कांटे को फिक्स लेके वो कह रहा है कांटा होगा तो उसी कांटे पर होगा और किसी कांटे पर कांटा नहीं होगा। उस कांटे से उसकी सेटिंग है क्या है ये हम नहीं कह सकते, मगर और बाकी दो कांटे और हैं हमारे यहाँ पे आरएसपीएल श्री गोपाल, उन पे कांटा करवा के जो एफसीआई में माल जा रहा है बिल्कुल बराबर उतर रहा है, मगर उसको उस कांटे पे ऑब्जेक्शन आ रहा है कराने में। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक गुप्ता है। दीपक जी, क्या समस्या है? समस्या यही है जो हमारे भैया ने बताया कि उठान नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या मौसम की है, जो माल है ज़्यादातर प्लास्टिक के कट्टों में पैक है, अगर उसमें थोड़ा भी पानी लग गया तो वो सड़ जाएगा, तो आड़ती उसको कहाँ तक वहन करेगा? अपने 40 रुपये क्विंटल की आड़त के अंदर ना वो क्या क्या करेगा आप समझो, उसकी मजदूरी में सब बराबर हो जाते हैं। वैसे ही खेतों में गेहूं का क्वालिटी की समस्या हो रही है, जो एफसीआई अगर किसी का जा भी रहा है तो उसे वापस कर रही है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग? जो पैदा हो रहा है वही तो हम देंगे आप गवर्नमेंट को आगे, उसको आप हमें रिफंड करोगे या माल को टाइम पे नहीं उठाओगे या माल सड़ जाएगा तो हम कहाँ से देंगे उसमें? मंडी में आड़ती काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या बता रहे हैं? इन्होंने कल शाम को मुझे समस्या बताया कि मंडी से लिफ्टिंग नहीं हो रही है और जो हमने एजेंसियाँ लिफ्टिंग के लिए निर्धारित की हैं वो उनका काम ठीक नहीं है, ऐसा मेरे को बताया। तो इसी का जायजा लेने के लिए मैं मंडी में आज मैं आया हूं, तो मैंने भी देखा है काफ़ी मात्रा में गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं, लगभग 2.25 लाख के आसपास कट्टे यहां पे हैं। तो थोड़ा इशू रहा है ट्रांसपोर्टर की तरफ से भी, अभी इन्होंने बताया कि कांटे को लेकर के दिक्कत है कि कोई माल वहाँ पर जहाँ उतरता वहाँ कम हो जाता है, तो इसकी हम जाँच करेंगे और आज ही हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो कट्टे रखे हुए हैं ये गोदाम में पहुँच जाएँ। सर, हालांकि समस्या आड़ती की हो, ट्रांसपोर्टर की हो, प्राइवेट एजेंसियों की हो जो सरकार ने निर्धारित की गई है या प्रशासन की हो, लेकिन इसका भुगतान या इसको जो भुगतना पड़ेगा वो तो किसान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी पेमेंट में जो देरी हो रही है तो किसान भुगत रहा है इसको। नहीं, आज ही हम इसको सुनिश्चित करेंगे और जो भी आपने अभी बताया है कि भाई ये दिक्कत है ये हमें ही पता है, जैसे हमें पता लगा है तो इसीलिए हम इसका समाधान करने के लिए आज सारे यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि आज हालांकि खरीद करते हुए 15वां दिन है, 1 तारीख को खरीद शुरू हुई थी, अभी तक कितने किसानों की अकाउंट में पैसा जा चुका है सर? ये तो सेक्रेटरी साहब बताएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी साहब कितने अकाउंट में गया पैसे?